हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुड शेफर्ड एजुकेशन सेंटर एंड आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल। टुडे वी कंडक्ट क्लास 6। सब्जेक्ट आपका SST है, जिसमें ज्योग्राफी का पहला पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर है आपका प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो चैप्टर आपने पढ़ा था। आज इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। पहला आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन से, ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, जिसका आंसर है आपका व्हाट्स द मेजर। सेकंड आपका ये क्वेश्चन है, आपका आंसर है प्लूटो। थर्ड आपका ये क्वेश्चन है और आपका आंसर है द मून। ओके, उसके बाद देखिए आंसर इन वन सेंटेंस। नेम द फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर। विच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट identical to the earth Venus. Name the planet in the solar system without a satellite Mercury Venus. Name the stationary star in the north sky Sun. इसका देखिए fill in the blanks. Light travels at speed of, first आप यहाँ पर क्या भरेंगे, 3 लाख किलोमीटर्स। और सेकंड देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी। थर्ड देखिए यूरेनस एंड वीनस। फोर्थ आपका है आर्यभट्ट। और देखिए इधर ट्रू फॉल्स देखिए, फर्स्ट आपका ट्रू है, सेकंड आपका फॉल्स, थर्ड आपका फॉल्स, फोर्थ आपका ट्रू है। ये आपके जो एक्सरसाइज है, इसे आप अपनी फेयर बुक्स में करिएगा, जो आपकी बुक्स है उसमें करिएगा। और ये देखिए आप इसके आंसर इन वन वर्ड्स करेंगे, क्योंकि प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम का क्वेश्चन आंसर करेंगे। विच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द अर्थ वीनस। हु इज अर्थ क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस, द मून। नेम द फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर। नेम द टू प्लैनेट्स मर्करी वीनस। विच टू प्लैनेट रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट, यूरेनस एंड वीनस। हाउ मैनी प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, 9। हाउ मैनी सैटेलाइट्स हैव जुपिटर, 63 सैटेलाइट्स। वॉट डू वी कॉल आर सोलर सिस्टम, फैमिली ऑफ सन। वॉट डू वी कॉल स्टार सिस्टम, गैलेक्सीज। In which year the first satellite was launched, 1975। ये आपके जो आंसर इन वन वर्ड है, ये आप अपनी फेयर कॉपीज में करिएगा, ये आपका होमवर्क होगा। बाय।